हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस 247 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पांच से कोई भी संख्या कैसे विभाजित हो सकता है उसका नियम। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे, क्या है। देखिए यहाँ पे नियम क्या लिखा है कि पांच से विभाज्यता के नियम में लिखा हुआ कि यदि किसी संख्या के अंत में पांच या तो जीरो हो तो वह संख्या पांच से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या हमारा पास है उसके लास्ट में क्या हो, जीरो हो या तो फाइव हो, तो उसको अगर पांच से डिवाइड करेंगे बच्चे तो पूरी की तरह पूरी वो क्या हो जाएगा, पांच से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, इंग्लिश में भी हम लोग लिख रखा है, जैसे कि इफ अ नंबर एंड्स विथ जीरो और फाइव देन द नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ फाइव। यानी कि अगर कोई भी नंबर फाइव से एंड करता है तो या तो जीरो से एंड करता है तो पूरी की पूरी संख्या वो पांच से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे है लास्ट में क्या है, जीरो है, तो इसमें यहाँ पे जीरो हो गया या तो इसमें लास्ट में फाइव है, तो ये दोनों के दोनों संख्या पांच से डिविजिबल होगा। आइए आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो है बच्चे, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, केवल लास्ट वाला आपको देखना है। तो थ्री से अगर करते हैं, यहाँ पे देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो यहाँ पे अगर पांच से करते हैं तो पांच छके तीस हो जाएगा और यहाँ पे चार जाएगा। फिर पांच उतारते हैं, पांच नौ पैंतालीस हो जाएगा, 45 कट जाएगा। अब छह उतारो वन टाइम में और जीरो उतारो टू टाइम्स में, यानी कि यहां के पूरा का पूरा की संख्या ये क्या हो गया, कट गया। आप इसको भी आप चेक कर सकते हो, जैसे यहां पे आपको क्या करना है, फोर फाइव सिक्स सेवन और फाइव ले लेना है, इसको पांच से आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो पन नंबर पैंतालीस हो गया, यानी कि यहाँ पे फोर और फाइव कट गया आपका। बच्चे सिक्स उतारते हैं वन टाइम्स में, तो यहाँ पे वन हो गया, और सेवन उतारते हैं थ्री टाइम्स में, फिफ्टीन हो जाएगा और यहाँ पे टू बचेगा, और ट्वेंटी फाइव है तो फाइव टाइम्स में ट्वेंटी फाइव। यानी कि आपने देखा कि अगर लास्ट में जीरो हो या तो फाइव हो तो कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे वो पाँच से आपका डिविजुअल होगा। तो आपको सिर्फ देखते ही एक नज़र में आप बता पाओगे कि ये संख्या पाँच से डिविजुअल है कि नहीं। अब इसको होमवर्क में आपको मैं देता हूं, इसमें आपको चेक करना है कि कौन आपका पांच से डिविजिबल है और कौन नहीं होगा। उसमें आप टिक आउट लगा सकते हो, जो सही होगा उसको सही लगाओ और जो गलत होगा गलत। आई होप ये पांच से डिविजिबिलिटी का जो रूल है बच्चे वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने और भी रखा है, जैसे दो तीन चार और ये सभी का डिविजिबिलिटी रूल हमने बता रखा है। तो आपने अगर वीडियो वो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में सारा आ जाए। तो चलिए बच्चे मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।